अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से। मेरे मन दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं मोहम्मद यकूब। तो आज हम इस वीडियो में रैंक करने जा रहे, वीडियो का टाइटल है एमएलए का इंटरव्यू, हर्ष राजपूत की वीडियो भाई साहब। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर लें। कॉर्नर करते हैं, 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, आपका स्वागत है धाकड़ न्यूज के नए एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज, धर्मेंद्र धाकड़ के साथ, जो कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्कर है। हम यहाँ पे अभी आए हैं लड़खिसोर पंचायत में। जब पिछली बार आए थे, मुखिया जी का इंटरव्यू लिए थे, बड़ा दर्दनाक इंटरव्यू था, बड़ा वायरल भी हुआ था। तो हम इसी गाँव में आए हैं और यहाँ पे देखिए विधायक जी का जनसंपर्क अभियान जो यहाँ पे चालू है और 2 साल से, मतलब दो टर्म से यानी 10 साल से यहाँ पे है विधायक लगातार बने हुए, लेकिन इस क्षेत्र के लिए लंड कुछ काम नहीं किया। जैसा कि देख सकते हैं, देखा इधर रोड उड कुछ नहीं बना है, एकदम ऐसी लटचट रोड है। तो इनसे भी बात करेंगे हम इस बारे में, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ जनता भी है यहाँ पे, तो इधर आइए, जनता से भी यहाँ बात करना जरूरी है। ग्राउंड लेवल पे हम जनता से बात करते हैं। आप इसी गाँव के रहने वाले हैं जी? जी, तो आप बताइए, विधायक जी जीत जाएंगे? मतलब अच्छा काम किए हैं? तो अच्छा काम मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल, रोड वोड सब बनवाए हैं? ये सब बन नहीं बनवाए हैं, रोड मतलब नहीं बनवाए, लंड अच्छा काम किए हैं। तो अच्छा ये बताइए कि मतलब इस बार आप वोट इन्हीं को दीजिएगा? नहीं जीतेंगे हम, यदि आ रहे हैं देते रहेंगे। तो मतलब जैसे हॉस्पिटल वगैरह नहीं बनवाए हैं, तो मान लीजिए कि आपको बवासीर हो जाता है, गांड से खून आने लगता है, तो मतलब कैसे आप कैसे कीजिएगा? मैनेज हो जाता है, मैनेज कर लेंगे ना, कर लेंगे। और ये सब ना होने के बाद भी वोट इन्हीं को दीजिएगा? इन्हीं की देगा, हमारे जाति भाई हैं। रीजन ये है कि जाति भाई हैं? जाति भाई हैं। आपके जाति के हूँ नेता, वोट दीजिएगा? जनते लड़चट है जी, कुछ बोले जाइए उधर काम कीजिए। मतलब देखिए जाति का है तो अपनी जाति के जो नेता हमसे गांड भी मरवा लेंगे, ये लोग वोट देना क्या बात है? इनको हॉस्पिटल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए मरो भाई जो बवासीर से तुम लोग, यार यही यहाँ का जनता है। देखिए कुछ और लोग हमसे भी बात करेंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या पार्टी जो कर रही है वो सही कर रही है, कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहा उसको लगातार टिकट दे रहा, तो क्या ये पार्टी की भी गलती नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है? देखिए इनसे बात करेंगे। हेलो भाई साहब, सबसे पहले बताइए कि मतलब ये पार्टी कैसा होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो मुर्गा और दारू रहना चाहिए। चुनाव वाला पार्टी की बात करें, भक्चूना राजनीति ऐसा सही में यहाँ का जनता जो है ना चूतिया ही है, कुछ कहने का जरूरत नहीं है, बड़ा बड़ा साला साहब साला। लेकिन इनसे बात करेंगे हम थोड़ा सा, आइए मेरे साथ, देखाइए इनको। नमस्ते नमस्ते, हमारी चुनावी कवरेज लगातार जारी है, हमारे साथ विधायक जी यहाँ पे मौजूद है, तो इनसे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। दिलीप कुमार जाली, बड़ा ही छोटा परिचय दिया हम, बता दें कि लगातार यहाँ पे 2 टर्म यानी 10 सालों से यहाँ पे जीतते हुए आ रहे हैं, तो अगर आप जीत जाते हैं इस बार जीतिएगा? जी बिल्कुल, जनता का साथ, जनता का विश्वास, सब मतलब जीत जाइएगा ना? बिल्कुल। तो अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? जीतते हैं तो सबसे पहले पार्टी करेंगे, लेकिन हमने कुछ लोगों से बात करी तो पता चला है रोड नहीं है, हॉस्पिटल नहीं, और भी कई समस्या है, और लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, युवाओं को, तो रोजगार वगैरह दिलाने के लिए क्या कीजिएगा? कोशिश करेंगे। अच्छा, मतलब रोजगार वगैरह दिलवाने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो और ये बताइए कि मतलब यहाँ पे हमने बात किया तो पता चला हॉस्पिटल नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है, तो उसके क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं? देखिए उस क्षेत्र में हमारा काम चल रहा है। अरे तो महाराज, आप यहाँ पे 2 बार से यानी 10 साल से, 5-5 साल का 2 टर्म से विधायक है, तो 10 साल से काम ही चल रहा है? योगा दिवस पर योगा भी करवाए हैं। अच्छा, योगा दिवस में योगा, मतलब देखिए योगा करवा लीजिए, बीमारियां खत्म कर दीजिए, सारा जरूरत नहीं हॉस्पिटल के ना। देखिए कितना इनका महान सोच है विधायक जी का। तो यहाँ पे अच्छा, और एजुकेशन लेवल भी हम लोग देख लेते हैं इनका थोड़ा सा। तो यहाँ के युवाओं का कुछ का मांग था कि मतलब हमको पोर्न हब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो भी दिया जाएगा? वो भी दे देंगे, वो भी दे दीजिएगा। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं एजुकेशन लेवल है, प्रीमियम जो है वो भी देने के लिए तैयार है यहाँ के जनता को, और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन हमको। अरे ये देखिए मुखिया जी हैं जो पिछली बार इधर। ये देखिए मुखिया जी, पिछली बार हम आपका इंटरव्यू लिए थे यहाँ पे लड़खिसोर पंचायत में, क्या जीत गए हैं? जीत, हार गए? नहीं जीत पाए हैं, हार गए। ये देखिए हार गए, इनका पिछली बार बहुत ही एकदम जबरदस्त इंटरव्यू हुआ था इन्हीं मुखिया जी का, तो दोबारा से इनका इंटरव्यू ले जाइए, आप भी आ जाइए इधर, आपका भी आइए ना इंटरव्यू लेते हैं, सुनिए तो। अरे नहीं मारेंगे इस बार, आइए ना। ये देखिए मुखिया जी वहाँ पे चले गए हैं, पिछली बार थोड़ा सा ज्यादा हो गया था इनका। तो अभी बताइए कि मतलब क्या लाइव कैमरे पे हम आप
आपके क्षेत्र के कुछ लोगों से बात कर सकते हैं? चलिए आप मेरे पास कर सकते हैं उनसे समस्याओं के बारे में बात। देखिए विधायक दिलीप कुमार जाली मेरे साथ हैं जो कि लगातार यहाँ पे 10 साल से विधायक है और इस क्षेत्र में लंबे कुछ काम नहीं किए हैं। आइए मेरे साथ कुछ लोगों से बात हम करते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं। आइए घर है तो इसी में आइए विधायक जी, यहाँ पे आइए घर में चल के लोगों से हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है। आइए विधायक जी, यहाँ पे देखिए हम लोग एक घर में आ गए हैं। आइए आइएगा हमारे साथ, आइएगा इधर, आइए इधर आओ जी, तुम इधर आओ। देखिए व्यक्ति सो रहे हैं, हेलो, अरे देखिए विधायक जी आए हैं आपके पास। जी जी, तो जाली जी है तो वोट दीजिएगा इनको। हाँ वोट देंगे। अच्छा अच्छा, तो मतलब हमने कैमरे के पीछे भी बात किया था तो कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब बढ़िया काम नहीं हुआ, तो क्या आपको कुछ समस्या है इनसे, कुछ काम हम अच्छा किए हैं? हमारे समस्या सब विधायक जी बहुत बढ़िया काम किए हैं, हम इनको वोट हमेशा के लिए देंगे और फिर भी इनको जिताएंगे हम। अच्छा, मतलब कोई समस्या नहीं है आपको? समस्या हमें इनसे कोई शिकायत भी नहीं है। अच्छा, देखिए कैमरे के सामने कुछ लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। मच्छर का दवाई यार, जरा यार तुम्हें लाइन करता है लगा के रखे थे महाराज तीन सब घर पेंटिंग में चल गया, तो आप बताइए कि मतलब क्या यहाँ पे जैसे मच्छर दवाई आप जरा है तो क्या लाइट कटता है यहाँ पे? लाइट ठीक ठाक रहता है, सब ठीक ठाक रहता है। यहाँ पे लाइट का क्या सीन है? जैसे आपकी पार्टी घंटा बिजली रहता है यहाँ पे, 24 घंटा बिजली आप देते हैं? बिल्कुल चलो जी वीडियो खत्म हो गया भाई। धाकर न्यूज जो लाइव रिपोर्टिंग करता है ना, गजब की होती है। वैसे इस तरह के एंकर होने चाहिए। वो जो मुखिया था ना, एमएलए को भी चाटा मटा मार के समझा दे। वो जो मुखिया है ना, एक वीडियो देखी थी कोरोना के टाइम पे, ये कैंपेन कर रहा था। अच्छा, इसी तरह हार पहन के ना फिर रहा था, कहते हैं कि भाई कोरोना के सारी जो तुमने जो गवर्नमेंट ने बताया तरीका कि ज्यादा बंदे इकट्ठे नहीं होने, तो सारी पुलिस की मां बहन कर दी। कहता है इधर आ तुम्हारे साथ तस्वीर लेनी है, साइड में जाके उसकी इच्छे से पटाई कर दे मुखिया जी की। अच्छा, तो भाई यहाँ पर जो इलेक्शन का माहौल जो दिखाया गया ना कि लोग जो बरादरी बेस पे वोट देते हैं, तो हमारे यहाँ भी वैसे ही है। तो सेम ही है भाई, इंडिया पाकिस्तान में सेम काम हमारे यहाँ चलता है। इस बार भी जो पार्टी पहले आती थी वो ही आएगी और कोई मतलब सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बस दफा मैंने अपने गांव में देखा है एक पार्टी मतलब कि आधा गांव किसी की तरफ है ना, तो दूसरी पार्टी आए या ना आए उनको वोट उनकी मुखालफत में दूसरी पार्टी को चले जाते हैं। ऐसे ही फिर उनका फायदा हो जाता है, आपस में बनती नहीं ना। हाँ, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए वोट उसको दे देंगे, वही सूरत हाल यहाँ देखने को मिली। वो तो बाबे से पहले इंटरव्यू लिया, फायदा कोई नहीं दे रहा किसी की। कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कोई रोड नहीं है, फिर भी स्कूल तो करीब इसको वोट देंगे। तो वो कह रहे थे कि बवासीर के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, कहता है मैनेज कर लेते हैं। बवासीर का भी मैनेज में बोला अगर हो जाए। ये जको बवासीर बड़े बोलते है, इसको है तो नहीं है। नहीं, बवासीर तौबा कर किसी को ना हो, ये बहुत बुरी अलामत है भाई। तुझे है तो नहीं, नो तौबा तो हुई, आज तक नहीं हुई, आज तक नहीं, फिर हो जाएगी। हुई कभी नहीं, कभी तो खून निकला। जिसके मुंह में होती है उसके पीछे होने की जरूरत नहीं यार, तेरी तो बकवास है। जबान से भी जबान अंदर दे बोलने के लिए, क्या बात है, बोलना तो पड़ेगा ना। गलत बात है, ये गलत बात है।
ऐसा नहीं कहते। अच्छा इंडिया वाले बोलते थे ना, पाकिस्तान में अक्सर जो है ना पोस्टर लगे होते हैं आगे से भी मसला इनको सर्विस से ही मसला। लेकिन ये खूब तो उन दोनों मसलों से पाक है, इसमें पीछे से मसला होगा, आगे भी नहीं है पीछे। ये मसला तेरे में है, पता नहीं है ये कीड़ा जो है तेरे अंदर है। ये मौसम में हो सकता है, ये मौसम में हकीकत है, तकनीकी खराब इसी की हकीकत। ये भूमि ने तो खुद को बनवाया, तीन चार बच्चे पैदा करके भाई। बिल्कुल मैं सब जब शादी है उस वक्त बच्चे आएंगे तेरे खिलाफ ऐसे हवाल से आ जाएंगे शादी से पागला कौन भाग रहा। इस्तेमाल करता है ये तो उस पठान की तरह जो दुआएं मांग रहा है, मुझको दे दे के फरिश्ता ऊपर से आता है, खान साहब आप शादी तो करें, शादी दान मांग रहे, अब शादी तो करो यार। चलो मौसम का जो है ना वो कीड़ा दो मुंह वाला वो निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। अच्छा 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 तुमने निकालना है आगे काम के लिए। मौसम का कीड़ा निकाल लेते हैं, वो कीड़ा नहीं है वो तुमने निकालना है तो भाई हम तेरा कीड़ा जरूर निकालेंगे, तेरा कीड़ा जो फुदक रहा है। अच्छा अच्छा कल तो कह रहा था कि मूंगफली है कभी मूंगफली बन जाता है, कभी केला बन जाता है, कभी सांप बन जाता है, तो है कोई जादूगर भाई साहब? वो तू है असल जादूगर, तो तू है ना जो असल तू है क्या? क्या रूप हर वक्त बदलवाता रहता है उस चीज का? मैं कैसे बदलवाते रहता हूँ, मेरी तो एक ही जबान जो बोलता हूँ, जो मुंह पे आ जाता है मैं बोल देता हूँ, मैं मुनाफा की तरह नहीं करता जो जबान पे भाई, भाई साहब हर्ष राजपूत ने जो एमएलए ढूंढ के लाया ना बहुत अच्छा, ऐसा ढूंढ के लाया इसको नजर लग ही नहीं सकती। क्यों लगेगी? खुद ही पीड़ है। सही बात है। एमएलए कहता है यहाँ पे 24 घंटे बिजली नहीं जाती, उस वक्त बिजली चली गई, पकड़ा गया मौके पे। अच्छा मतलब उधर से बिजली मिल जाती है? कैसा मतलब? ये जो दिखाया गया ये तो माशरे की एकासी की गई है, अभी तक ये वहाँ पर भी लोड शेडिंग होती है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? जो आते हैं वोट लेकर चले जाते, कहते बिजली होगी, गैस होगा, सारा कुछ होगा, जो हालत होती है भाई आपको पता ही है। भाई साहब वीडियो बनाने से पहले आज 5-6 दफा बिजली जा चुकी है, वीडियो के दरमियान भी गई है, अभी गई है पिछली वीडियो में, ये हालत चल रही है। ज्यादा बारिश हो गई है ना इस वजह से ना, पहले तो बारिश में क्या है भीग जाती है, ट्रेन बारिश में कितनी बारिश हो रही थी, ट्रेन चल फिर भी चल रही है, उनकी बराबरी हम तो नहीं कर सकते, तो फिर कहता है फाल्ट हो जाता है यार, तो आंधी तूफान हो तो चलो मान लिया अभी तार को हिल गई, ये हो गया वो बारिश, दो चार मिनट के लिए जाती है ना, दो चार मिनट में हमारा घंटा पूरा जाया हो गया वो तेरी। चलो जी ठीक है भाई, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, वैसे ऐसा एमएलए हो तो नजर नहीं लगती भाई। और जो व्हाइट ड्रेस है वो बड़ा जचता है, वो फर्क रहता है ना, काले और गोरे में फर्क रहता है। और अगर यहाँ खुद ब्लैक है कमीज जो पहनी हो व्हाइट पहनी हो, कहते हैं चूने तक कहाँ बैठा, वो पंजाबी में अगर कोई इस तरह का चूने दे कानी जामन के ऊपर जो नमक छिड़का हुआ सेम ही हो गया। अरे भाई साहब तुम्हारा इतना दिमाग बुद्धि तेज नहीं, अच्छा तेरी बहुत तेज है, इसका डाउन टू की तरह दिमाग चलता है। तो ठीक है भाई अपने ना रूप तय का कमर सेक्शन में मिलते रहिए। और हाँ भाई साहब पहले मिला फिर क्या हुआ, बरादरी गोएस पे वोट होते हैं इंडिया में भी होते हैं पाकिस्तान में, तो ठीक है भाई मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें।